हाँ जी, नया टॉपिक स्ट्रिप एंड स्ट्रैप्स। पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने स्ट्रैडल स्ट्रायंगल्स पढ़ा था, साथ में डिस्कशन बहुत हो गया था, क्वेश्चंस भी हुए। अब बात करते स्ट्रिप एंड स्ट्रैप्स की। अच्छा, खास बात है कि इसके कोई क्वेश्चन वगैरह आए नहीं है आज तक, पर ठीक है, हमारे सिलेबस में तो हम कवर तो कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो स्ट्रिप्स एंड स्ट्रैप्स में क्या लगता है? तो बेटे, इसमें भी वही सिचुएशन है जो हम लोगों ने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स में पढ़ा था। मतलब सर कि हमको पता नहीं है कि मार्केट में क्या होना है। मतलब जैसे रिलायंस, तो यार रिलायंस का एग्जांपल लिया था, तो रिलायंस में ना हम लोगों को, मैंने पहले भी बताया, हम लोगों को रिलायंस के विषय में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा सा न्यूज आने वाली है, और उस न्यूज की वजह से शेयर के प्राइस पे बुरा भी फर्क पड़ सकता, अच्छा भी पड़ बढ़ भी सकता, शेयर का प्राइस कम भी हो सकता है, पर 100% नहीं मालूम कि क्या होने वाला। तो सर ये बात तो स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल्स में भी थी। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और विशेष बात है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यार रिलायंस का जो शेयर है ना, बढ़ने के चांसेस ना बहुत ज्यादा है, कम भी हो सकता है, कम कम होने के जितने चांसेस है, शेयर के प्राइस डाउन होने के जितने चांसेस है, उससे भी ज्यादा चांसेस है कि प्राइस बढ़ेगा, तो सर कॉल क्यों नहीं खरीद लेते? बेटे, कॉल खरीद लेता पर कम भी तो हो सकता है ना। तो अब उस चांसेस के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर मुझे ऐसा लग रहा बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, तो मैं ना दो कॉल खरीद लूंगा, दो कॉल ऑप्शन और एक पुट खरीद लेता हूं, ठीक है सर, उसको मैं नाम दूंगा स्ट्रैप्स। ठीक, अच्छा, अगर जो न्यूज आने वाली उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस कम होने के ज्यादा चांसेस है, तो सर पुट, हाँ लेकिन बढ़ भी तो सकता है, तो कम होने के चांसेस ज्यादा है तो दो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, ठीक, क्योंकि कम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है मुझे। अच्छा, तो दो पुट खरीद लेते और एक कॉल खरीद लेते, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्ट्रिप्स। हाँ, खास बात है, शेयर्स कॉल और पुट एक ही का होना चाहिए, रिलायंस का या किसी भी कंपनी का। एक्सरसाइज प्राइस भी एक ही होगी, एक ही मतलब 1,000 पे ही कॉल और 1,000 पे ही पुट, या 1,200 पे कॉल 1,200, मतलब कॉल और पुट सेम एक्सरसाइज प्राइस पर। और मैच्योरिटी पीरियड ऐसा नहीं चलेगा कि पहला कॉल खरीद लिया 2 महीने के लिए और पुट खरीदा 3 महीने, ऐसा नहीं, दोनों का मैच्योरिटी पीरियड एक ही होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल से बात को समझ लेते हैं, यहां लिख देता हूं। मान लो रिलायंस का शेयर है, एक्सरसाइज प्राइस ले लेते हैं 1,100। सर कितने माह बाद वाला है ये एक्सरसाइज? मान लेते बेटे 3 मंथ्स वाला। अच्छा, 1,100, तो सर प्रीमियम, बेटे कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम। कॉल का प्रीमियम ले लेते हैं 30 और पुट का ले लेते हैं 40, ये सब मन से लिखा, 30 रुपए और 40 रुपए। और हम इसी एग्जाम्पल को बेस लेकर स्ट्रिप और स्ट्रैप डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा करते, दोनों क्यों ना एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, और इस तरफ लिखेंगे हम लोग स्ट्रैप्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा स्ट्रिप्स। ठीक है सर, स्ट्रिप में हमें क्या लगता है? हमें लगता है वाइट फ्लक्चुएशन होने वाला, वाइट फ्लक्चुएशन, ठीक है, और नॉट श्योर अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं मालूम कि बढ़ने वाला कि कम होने वाला, फिर भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा पता रहता। स्ट्रैप में हमको ये लगता है कि बढ़ने के चांस ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइज इज मोर देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस फॉल। तो सीधी सी बात है, स्ट्राइप्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स में हम करते क्या है, इन स्ट्रैप्स स्ट्रैटेजी वी बाय टू कॉल ऑप्शंस एंड वन पुट ऑप्शन। दो कॉल एक पुट, बढ़ने के चांसेस ज्यादा तो भैया दो कॉल ही खरीदोगे, एक पुट। खास बात है किस पर, एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस सेम होना चाहिए, कंपनी भी सेम होना चाहिए और पीरियड भी सेम होना चाहिए। वो बातें मैंने लिख रहा हूं, वो तो मैंने यहां लिख दी ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल की बात करो, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया क्या है। तो इस एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, यहां लिखता हूं। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैप्स स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं। तो वी बाय खरीदेंगे, दो कॉल ऑप्शंस, एक्सरसाइज प्राइस कितना लिया था बेटे मैंने 1100, और प्रीमियम सुनो कितना देना पड़ रहा। प्रीमियम 30 प्लस 30, टोटल मिलाकर कितना देना पड़ा प्रीमियम, 60 रुपए। और इसी के अलावा हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे वन पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस 1100, लेकिन एक ही पुट है इसलिए यहां कितना जाएगा 40। तो टोटल मिलाकर मेरे जेब से गया कितना, मेरे जेब से गया 100 रुपए। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, जब प्राइस बढ़ेगा, और पुट कब एक्सरसाइज होगा, जब प्राइस कम होगा। अब हमारे एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या पूछेगा, पूछेगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी बताइए, तो 100 रुपए दिख रहा है। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान प्राइस या तो बढ़ा दो 1100 से, या तो प्राइस कम कर दीजिए। अगर 1100 से बढ़ाना, भगवान पूछेगा ठीक है भाई 1100 से बढ़ा देते, कितना बढ़ाना, मैंने कहा मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ ना, बस 100 रुपए की रिकवरी कर दो, बात खत्म। तो प्लीज अब 1100 ये इससे बढ़ाना तो 100 रुपए और, तो मतलब 1200 रुपए, 1200 प्राइस कर दीजिए। अब सुनो भगवान क्या बोलेंगे, भगवान कहेंगे ऐसा भाई, जब भी प्राइस बढ़ेगा आप तो दो दो बार एक्सरसाइज करोगे, आपके पास कितने कॉल ऑप्शन है, दो। तो बोले जो 100 रुपए की कमाई है ना, 100 रुपए रिकवर करना है, पर आप दो शेयर मिलाकर, दो ऑप्शन है ना आपके पास, दो कॉल ऑप्शन है, तो 100 रुपए दो कॉल ऑप्शन है, तो 50-50 करके रिकवरी कर लोगे ना आप। तो बोले मैं शेयर का प्राइस अगर मुझे करना भी है तो मैं 1100 से 1150 कर लूंगा। मैंने कहा सर अब कैसे, मैंने कहा देखो अगर प्राइस बढ़ा 1100 से 1150 हुआ, तो पहला कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे 50 कमा के जेब में रखोगे, फिर दो है तो दूसरा भी कॉल ऑप्शन 50 कमा कर जेब में रखोगे, तो टोटल मिलाकर आपका 100 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बात सही है। तो बीपी कॉल ऑप्शन की कंडीशन में, अगर मान लो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, तो बीपी कितना आएगा, 1100 प्लस कितना कॉस्ट लगा है 100, और दो शेयर मिलके एक्सरसाइज हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर मेरा बीपी कितना आएगा, 1150। अच्छा पुट ऑप्शन में कितना आएगा बीपी, 1100 अगर प्राइस कम कर दीजिए। और सुनो कम करोगे तो इस बार की ऑप्शन है, तो भाई कम से कम आपको 100 रुपए तो कम करना पड़ेगा, यस। तो बीपी कितने पे आएगा, 900। दूसरी चीज ये पूछेगा, तीसरी बात हमको पे ऑफ तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो अब मैं पे ऑफ की बात बता रहा हूं, पे ऑफ कैसे बनेगा।
किसकी बात हो रही है? स्ट्रैप्स। तो पे ऑफ वही, इधर जीरो, इधर प्राइस, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितना दिख रहा है? तो एक्सरसाइज प्राइस यहां लिख लेते हैं ऐसा। एक्सरसाइज प्राइस कितना है भाई? 1100। ठीक है, अब ये बताइए मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस हो सकता है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपया, सुनो, 100 रुपया मेरे जेब से गया है, तो उसके बाद तो तभी मैं ऑप्शंस एक्सरसाइज करूंगा जब मुझे फायदा होगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है मेरा? 100। ठीक है, अच्छा, और बीपी कितने पे आया? एक तो आया है 1150 पे, और बीपी कितने पे आया पुट वाला? एक आया है 900 पे। ये भी मेरा बीपी है और ये भी मेरा बीपी है, और लॉस कितने का दिखाई दे रहा है? 100। सर मैक्सिमम लॉस कब हो सकता है ये बताइए बेटे। या तो शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो कॉल एक्सरसाइज करके कमा लूंगा, या तो कम हो जाए तो पुट ऑप्शन। लेकिन अगर 1100 ही हुआ तो भाई आपका तो 100 रुपए का लॉस है। तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है 100 रुपए, वो हो सकता है जब प्राइस हिला ही नहीं, 1100 का 1100 ही रहा, और जैसे ही 1100 से बढ़ेगा तो फायदा है, 1100 से कम होगा तो फायदा है। 1100 माइनस 100, तो सॉरी यहां तो 1000 होना चाहिए यार, गड़बड़ हो गया। 1000, ठीक है। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, एक तो ये कटेगा, एक तो ये आएगा। इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा, पे ऑफ बन जाएगा किसका? स्ट्रेप्स का। अच्छा, खास बात इसमें क्या है कि यहां देखो बीपी इधर जल्दी रिकवर होगा फास्ट बढ़ने पे, और कम होने पे रिकवर होगा स्लो। ठीक है, हाँ, बढ़ेगा तो भी फायदा होगा, कम होगा तो भी फायदा होगा। तो स्ट्रेप्स में क्या पढ़ा सर? स्ट्रेप्स में हमने ये पढ़ा कि वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला है, पर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किससे? कम होने से। तो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हम दो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं और एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं जी, और एक ही एक्सरसाइज प्राइस पे खरीदते हैं, दैट्स इट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रिप्स। सर स्ट्रिप्स में क्या होता है? स्ट्रिप्स में हमको लगता है कि वाइड फ्लक्चुएशन होने वाला है, ठीक है सर, और इसमें पर श्योर है कि किधर जाएगा? नहीं बेटे, बट नॉट श्योर। अबाउट डायरेक्शन नहीं पता होता कि किधर जाएगा, ठीक है। तो सर क्या प्रोबेबिलिटी किसकी? हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस फॉल इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइस। इसका मतलब है कि यहां हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है कि प्राइस के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, बढ़ने की अपेक्षा। तो सर हम यहां क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वी बाय, हम खरीद लेते हैं। जब गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो दो पुट ऑप्शंस एंड वन कॉल ऑप्शन, और किस पर? एट सेम एक्सरसाइज प्राइस, ऑन सेम मैच्योर, ऑन सेम एसेट, एंड वही मैच्योरिटी पीरियड एक जैसा होगा। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल
तो हम क्या करने वाले हैं सर? हम खरीदेंगे वी बाय टू पुट ऑप्शंस, और एक्सरसाइज प्राइस कितना रहेगा? 1100। तो बेटे प्रीमियम कितना जाएगा सर? 40 और 40, 80 रुपया जाएगा, और गिरेगा तब फायदा। और साथ में हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। एक्सरसाइज प्राइस कितना? 1100, बढ़ेगा तब फायदा। और प्रीमियम कितना गया? 30। तो टोटल मिलाकर खर्च कितना आ गया? 110। दिस इज कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 30, 110 रुपए खर्च हो गया। तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा? एक तो कहेगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी निकाल लेंगे, दूसरा आपसे क्या मांगेगा? दूसरा मांगेगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बात सबसे पहले किसके, या तो भगवान शेयर का प्राइस बढ़ा दो या तो कम कर दीजिए। अगर बढ़ाए तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और 1100 ये प्लस 110 ये, 1100 ये और 110, भाई 110 जो जा रहा है वो तो रिकवरी करवाइए। तो बीपी कितने पे आएगा? 1210। लेकिन पुट ऑप्शन में ध्यान से काम करना, पुट ऑप्शन मतलब प्राइस कम होना चाहिए माइनस, और 110 तो टोटल मिलाकर गया है, पर आपके पास तो दो दो पुट ऑप्शन है ना। तो बेटे फिर आएगा 110 डिवाइडेड बाय टू, जैसे इसका सिचुएशन था वैसे उसका हो जाएगा, इस बार दो पुट है। 1100 माइनस 55, तो ये आ जाएगा 1045 बीपी। आखिरी काम बचा हुआ पे ऑफ का, पे ऑफ समझ लेते हैं। तो पे ऑफ फिर से वैसे ही बनाते हैं। ये लो, ये हो गया आपका जीरो। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम लॉस हो सकता है 110 का। एक्सरसाइज प्राइस कितनी दिख रही है सर? एक्सरसाइज प्राइस दिख रही है हम लोगों को, ऊपर लिखते एक्सरसाइज प्राइस 1100। बीपी का क्या हाल है? बीपी इधर आ रहा 1045, यहां कहीं 1045 पहला बीपी, और दूसरा बीपी आ रहा 1210, थोड़ा सा दूर 1210 बीपी। मैक्सिमम लॉस ना तो 1100 से नीचे गए ना तो ऊपर, मतलब मैक्सिमम लॉस हमारा होगा यहां, ठीक है? और इससे ऊपर गया तो फायदा होगा, यहां 110 लिख देते, और कम हुआ तो फायदा हो जाएगा। ये बना आपका पे ऑफ। अच्छा, खास बात समझो, इधर बीपी जल्दी रिकवर हो रहा है फास्ट, और इधर बीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है स्लो, ठीक है? अब बात सीधी सीधी है, स्ट्रैप और स्ट्रिप अंतर क्या हुआ सर? अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ सीधी सी बात है। स्ट्रैप में क्या होता है? स्ट्रैप में हमको ऐसा लगता है प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो दो कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। स्ट्रिप में क्या होता? गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, गिरने की तो दो पुट, बढ़ भी सकता एक कॉल, ठीक? तो बस और कुछ है नहीं है। और पे ऑफ दिख रहा, बीपी कब जल्दी रिकवर हो रहा? मेरे ख्याल से पे ऑफ देखकर आप बता दो कि क्या है, स्ट्रैप है, स्ट्रैंगल है, तो मजा है पढ़ने का, ठीक है? तो अब मैं आपसे बस पूछते जा रहा हूं, मुझे आंसर देते जाना। सपोज जितना अभी तक पढ़ा है हमने, चार स्ट्रैटेजी, मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रहा हूं, मैंने कहा मान लो ये है ऐसा, तो सर इसका नाम ना मालूम है? वही मिट्टी, इसका नाम क्या हुआ? स्ट्रेडल्स, ठीक है? अगर मान लो ये है, अब मैं आपसे बोलूं बताओ इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है स्ट्रैंगल्स, ये पढ़ा? अब मैं आपसे, सुनोगे अब बिल्कुल ध्यान से देख,
और मैं आपसे बोल रहा हूं ये और ये। बेटे बिल्कुल ध्यान से देखो, सर बीपी कब जल्दी आ रहा, ये हमारा ये हो गया डॉट बीपी। मान लो यहां मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, दिख रहा है, तो बीपी इधर जल्दी आ रहा है, इधर देर से आ रहा है। जब ऐसा है तो सर इसका मतलब है कॉल ऑप्शन हमारे पास ज्यादा है, यस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेप बीपी जल्दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेप्स। और ऐसा भी तो हो सकता है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये और ये बताओ ये क्या है। सर मान लो ये है, ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा घुमा देता हूं, ये मतलब ये हुआ कि उधर पुट और ज्यादा है, जी हाँ पुट ज्यादा है ना, तो ये कौन सा हुआ, सर ये हो गया स्ट्रिप, और कुछ नहीं है। तो चार ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल्स, स्ट्रिप, स्ट्रैप। स्ट्रिप स्ट्रैप का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बुल एंड बियरिश, बस ये दो है, और उसके बाद फिर बटरफ्लाई हो जाएगा।